आज टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो गया है कि वो हमें पूरी दुनिया की सैर बैठे बिठाए कर देता है और हमें पूरी दुनिया के साथ जुड़ने की अनुमति देता है। यहाँ तक कि पृथ्वी पर स्थित कोई भी स्थान आज गूगल पर खोजकर पता कर सकते हैं। लेकिन इससे ये हमारी दिल और दिमाग को संतुष्ट नहीं करेगा और ना ही ये हमारे जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। इसके लिए हमें वाकई में यात्रा यानी ट्रैवल करना होगा। यात्रा करना एक तरीका है इस दुनिया को जानने का, शांति प्राप्त करने का और ज्ञान की नई दुनिया में खो जाने का। इसके द्वारा ये हमें तीन अलग अलग स्तरों में प्रभावित करता है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यात्रा क्या है और इसके साथ ही यात्रा यानी कि ट्रैवल फोटोग्राफी क्या है और उसके प्रकार। क्रिएटिव हर चैनल में आपका फिर से स्वागत है, एक ऐसा विशेष मंच जहां आप फोटोग्राफी के बारे में अधिक जान सकते हैं। यात्रा वास्तव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्रिया को संदर्भित करती है। यात्रा का तरीका रोड, रेलवे, वायुमार्ग और यहाँ तक कि जल मार्ग से भी हो सकता है। और जब आप यात्रा के तरीके को बदलते हैं तो आप एक अलग एहसास का अनुभव करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि यात्रा की लंबाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितने समय तक चली गई है यह महत्वपूर्ण है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यात्रा जितनी सर्वसाधारण और कितने विनम्रता से की जाए ये मायने रखता है। और जब फोटोग्राफी की बात आती है तो एक साथ ही हम हमारे दो इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, दो इच्छाएं, अर्थात फोटोग्राफी और यात्रा। ट्रैवल फोटोग्राफी एक ऐसा विभाग है जहां आप दुनिया के विभिन्न हिस्सों, रीति रिवाजों, परंपराओं, विचारों और भावनाओं का दस्तावेज फोटोग्राफी के द्वारा कर सकते हैं। और सबसे अच्छी ट्रैवल फोटोग्राफी हमेशा जगह की वास्तविकता को स्थापित करने में सक्षम है। इसके अलावा ये दर्शकों को यह एहसास दिलाता है कि जैसे कि वे खुद उस विशेष क्षण में उस स्थान पर मौजूद थे। दरअसल ट्रैवल फोटोग्राफी में उन सभी तस्वीरों को शामिल किया जा सकता है जो आपकी यात्रा के दौरान शुरुआती स्थान से अंतिम स्थान तक आती हैं। तो चलिए जानते हैं कि ट्रैवल फोटोग्राफी के विभिन्न प्रकार क्या है। पहला, नेचर एंड लैंडस्केप फोटोग्राफी। अपनी यात्रा के दौरान सबसे अधिक आकर्षक तस्वीरें जो इस धरती के प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है वो है लैंडस्केप फोटोग्राफी। ट्रैवल फोटोग्राफी में तकनीकी सेटिंग के अलावा ये अच्छी रचना की मांग भी करता है। कुछ लोग फोटो की रचना रूल ऑफ थर्ड्स में करते हैं, जबकि ऐसे अवसर भी हैं जहां रचना गोल्डन रेशियो रूल में भी किया जाता है। दूसरा, पीपल और कल्चर फोटोग्राफी। जब भी हम दुनिया के किसी भी जगह के बारे में सोचते हैं तो निश्चित रूप से उस जगह से संबंधित हमें कई विचार आते हैं। उदाहरण के लिए वहां रहने वाले लोगों के बारे में, उनकी जीवन शैली, उनके कपड़े, उनके द्वारा खाए जाने वाला भोजन और भी बहुत कुछ। इसके अलावा हम वहाँ के लोगों की संस्कृति को कैसे भूल सकते हैं। पीपल यानी कि लोगों की फोटोग्राफी और कल्चर यानी कि संस्कृति की फोटोग्राफी इन सभी बातों को दर्शाता है। तीसरा, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी। हमारी ट्रैवल फोटोग्राफी के यात्रा के दौरान हमें आर्किटेक्चर फोटोग्राफी का भी अवसर प्राप्त होता है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के इमारतें, ऐतिहासिक स्थान, स्मारक, संग्रहालय, अद्भुत और कलात्मक इमारतें आदि। फिर चाहे वो तस्वीरें दिन की रोशनी में हो या उस वक्त जब आसमान बादलों से भरा हो या नीले आकाश से या फिर कम रोशनी में, इन सभी अवसरों में अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। फोटोग्राफर हमेशा अपनी छवियों के माध्यम से आर्किटेक्चर यानी कि इमारतों की विभिन्न विशेषताओं का पता लगाते हैं। चौथा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। हमारी कुछ यात्रा के दौरान हमें संयोग से जंगली जानवरों और पक्षियों की फोटोग्राफी का अवसर मिलता है और एक ट्रैवल फोटोग्राफर का इरादा विभिन्न स्थानों की खोज करने का है। इसलिए ऐसी स्थितियों में कुछ स्थानों को न केवल लोगों के साथ बल्कि जंगली जीवन के साथ भी पाया जाता है। तो ऐसे में एक वन्य जीव यानी कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की तरह यहाँ भी फोटोग्राफर अपने आवश्यक कैमरा उपकरणों के साथ तैयार हो जाते हैं। और अब पांचवा है, स्ट्रीट और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी। अपने कैमरा की तकनीकों से अच्छे ज्ञान के साथ सही समय पर सही जगह पर होने का संयोजन है स्ट्रीट फोटोग्राफी। जाहिर है हर जगह समान नहीं है और हर बार एक ही तरह के चित्र हासिल नहीं होता,
भले ही आप एक ही स्थान में कई बार क्यों न जाएं। तो अंतिम लक्ष्य हमारा यह होना चाहिए कि उस समय की घटनाओं को कैप्चर करें, ताकि हमेशा के लिए अंतिम काल तक ये तस्वीरें उन जगह की पिछली घटनाओं को दर्शा सके। तो आप तैयार हो जाइए ट्रैवल फोटोग्राफी के विभिन्न प्रकार की फोटोग्राफी के लिए। हमें केवल एक ही जीवन मिला है और अवसर अभी या फिर कभी नहीं के बराबर है, क्योंकि यात्रा एक सतत प्रक्रिया है। दूसरों के अनुभव से प्रेरित हो सकते हैं, लेकिन निर्भर नहीं। ट्रैवल फोटोग्राफी की इस खूबसूरत यात्रा को खुद से अनुभव करने के लिए सदा उत्सुक रहिए। जैसे कि स्टीफन कोवे ने कहा है, लीव योर लाइफ बाय कंपास नॉट ए क्लॉक। अपनी जीवन को जिए एक कंपास के द्वारा, ना कि घड़ी के बल पर। तो दोस्तों, इन सब बातों को जानने के बाद हमें कमेंट सेशन में ये ज़रूर बताइए कि ट्रैवल फोटोग्राफी की किस शैली में फोटोग्राफी करना आप पसंद करते हैं और क्यों। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचनाएं पहले पहुंचें। फोटोग्राफी कोर्सेज और उसके स्पेशलाइजेशंस के बारे में आप जान सकते हैं हमारे वेबसाइट www.creativeheart.org में। फोटोग्राफी के आर्टिकल्स, टिप्स, ट्रिक्स, पोर्टफोलियो, फोटोग्राफी के बारे में और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं हमारे ऑफिशियल ब्लॉग www.creativeheart.com में। लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। अलविदा।